सामान आया हुआ है जी, सोफे का ये सारी फिलिंग वगैरह सारा कुछ आया हुआ है, कल इसका इंशाल्लाह काम होगा। तो बस जी अभी चलते हैं, चलो ठीक है जाएं, चलो केक भी लेने ना। ठीक है जाएं, चल जाएं, मैंने मना किया आपको, एक नहीं तो चला सकते, ऐसा नहीं चला सकते, ले दे कराची वाली जो आप चला दे चला ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, और फ्रेंड मेरी इस तरह से हैं कि बनी तो मेरी यूट्यूब की तरफ से ही मेरी फ्रेंड बनी है, मेरी सब्सक्राइबर थी, और उसके बाद फिर इंस्टा पे इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, वहाँ से फिर दोस्ती जो है वो स्टार्ट हुई। तो अभी तक मैं इनके घर नहीं गई थी और ना ही ये मेरे घर अभी तक आई हैं, बस मैंने बर्थडे पर इनको इन्वाइट किया था तो वहाँ पर ये आई थी, तो बस आज ही इनके घर आए हैं। बड़ी मुश्किल से प्लान बना था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ही सही हो आती हूँ ना इनके घर। और आज ही हो रहा है मेरे घर सोफ़े का काम, और सोफ़े मैंने बाहर निकाल दिए हैं, सोफ़े का काम स्टार्ट हो रहा है, और अब मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग चल रहा था और अब बस फाइनली हो रहा है काम जी, सोफ़े का हो रहा है। और मैं अब जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और मुझे इनके लिए चाय भी बनानी है, तो सबसे पहले इनके लिए चाय बनाते हैं। तो आज मैं सोची थी कि क्या बनाऊं, तो कीमा मेरे पास फ्रीज़र में था तो मैंने सोचा आलू कीमा मटर ही बना लेती हूं, और क्योंकि मेरे घर में शौक़ से भी खाया जाता है, बेटी भी शौक़ से खा लेती है, हस्बैंड भी, तो इसलिए आज मैं बस वही बना लूंगी और साथ में चाय भी रख लूंगी। तो मैंने शुक्र है कि नीचे कारपेट रखा ही हुआ था ऑलरेडी, तो वही बस हमारे अब काम आ रहा है क्योंकि सोफ़े सारे ही बाहर हैं, अभी सहन में हैं तो उनका काम 2 से 3 दिन चलेगा। तो अभी कुशन्स मैंने नहीं दिए, मैंने कहा ये मैं फिर एंड में ही बनवा लूँगी, तो वो बस थोड़े से मैंने सेट करके रख लिए क्योंकि मैं ना काफ़ी देर से ऊपर वाले पोर्शन में थी, मुझे थोड़े से काम थे ऊपर, इस वजह से मैं काफ़ी देर से ऊपर ही थी, बल्कि ऊपर सफाइयों वाले ही काम चल रहे थे। तो बस मैंने जी बर्तन चढ़ा दिया है और कीमा भी मैंने रख दिया है, डीफ्रॉस्ट तो मैंने नहीं किया, बस डायरेक्ट ही मैंने फ्रीजर से निकाल के रख दिया था क्योंकि वॉश हुआ हुआ था, साथ में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। और मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप क्यों चेंज करवा रही हैं इसका कपड़ा, तो जब मैंने सोफ़ा लिया था ना तो मैंने नहीं खुद से जा के पसंद करके लिया था, मैंने जस्ट मंगवा लिया था, इस्लामाबाद से ही मंगवाया था, तो बस मैंने पिक्चर ही देख के पसंद कर लिया था क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी ज़रूरत थी सोफ़े की, एक तो सर्दी बहुत थी, बैठा नहीं जा रहा था, मुल्तान में मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने वहीं से ही हम लोगों ने ना ऑर्डर करवा लिया था मेरे हस्बैंड ने, तो आ तो गया था लेकिन उसकी ना फीलिंग अच्छी नहीं थी, थोड़ा मुझे कलर भी उस तरह अच्छा मज़े का नहीं लगा था। बहरहाल अभी फिर काफ़ी अरसे से सोची थी कि इसकी कोशिश मैं चेंज करा लूँ, कलर में थोड़ा चेंज करा लूँ, ब्राइट सा कलर कर लूँ, इसलिए मैं अब उसको चेंज करा रही हूँ, अब जैसे ही टाइम मिला है, और बस कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, बस इसका यही टाइम था और मैं शुक्र है कि अब करा रही हूँ। अच्छा, मैंने कीमे में ना 2-3 टमाटर डाल दिए हैं, 2-3 प्याज छोटे वाले, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल के इसको ढक दिया है, जैसे पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी और नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के ना इसको भून लूँगी। बस ये चाय रेडी हो गई है, और अभी मेरी बेटी आई है तो कहती है कि मम्मा क्या हो रहा है बाहर, मैंने कहा भाई बाहर काम शाम हो रहे हैं तो उनके लिए चाय बना के भेज रही हूँ, तो कहती मम्मा वो तो बैठे हुए हैं, मैंने कहा भाई बैठे हुए नहीं हैं वो बेचारे, उनका एक प्रोसेस होता है सोफ़े का तो वही काम कर रहे हैं, तो कहती कि मम्मा आप मुझे भी चाय दे दें, तो मैं उसको चाय जो है ज़्यादा नहीं पिलाती, थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ, तो मैंने कहा बस तुम थोड़ी सी ही पी लो।
मेरी भी थोड़ी सी चाय बच गई थी, मैं पी रही हूँ। तो आज ना मैं इंस्टा पे लाइव आई थी, और मैं वैसे ही आई थी, मैंने कहा चेक करती हूँ क्योंकि मैं लाइव आती नहीं हूँ और इंस्टा में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, मुझे याद ही नहीं रहता कि इंस्टा मैंने यूज़ भी करना है। तो वहाँ जैसे मैं लाइव आई तो एकदम इतने सारे लोग आ गए, मुझे इतना अच्छा लगा। तो अब मैं बता के आऊँगी, आप मुझे बताइए कि क्या टाइमिंग होती है और आप कब फ्री होते हैं। तो मैं सोचूँ कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं लाइव आऊँ ना। बस आज कुछ ज़्यादा नहीं बना रही है, आलू कीमा मटर डाल के ना ये बना लूँगी। थोड़ा मीठे का मेरा इरादा बन रहा था लेकिन अब नहीं बनाऊँगी, मीठा भी नहीं बनाऊँगी। बस अभी काम हो रहे हैं कुछ, तो मेरा काम के चलेंगे, क्योंकि जब मैं ऊपर भी गई थी और जहाँ भी मेरे कपड़े होते हैं वो कमरा इतना इग्नोर था, इतना उसका बुरा हाल था, और उसको सेट किए पहले एक दो घंटे वहाँ लग गए। सोनी देखो, तो जिस दिन मैं गई थी ना मेट्रो, तो मैंने ये डब्बा लिया था, ये मैंने खुश काटा रखने के लिए लिया है क्योंकि मैं दूसरे डब्बे यूज़ कर रही थी तो वो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था। ये बड़ा अच्छा लगा है और आई थिंक ये इसी लिए है कि इसमें खुश काटा रखा जाए, या वैसे भी कुछ भी इसमें रख सकते हैं, वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था। अभी मैं इसको वॉश करके ना फिर इसको यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। टाइम तो खैर बहुत हो गया लेकिन खाने को क्योंकि टाइम है, और सुबह बस वही चाय पे ही गुजारा है हमारा। तो कुछ मिक्सचर पड़ा हुआ था आलू वाला, आलू के मैंने पराठे बनाए थे कल, तो उसका मिक्सचर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसके दो पराठे बना लेती हूँ तो हम मिलजुल के ना खा लेंगे, इस तरह फिर खाना जो है वो रात में ही फिर चलेगा। तो इसलिए अभी मैं फ़िलहाल बनाऊँगी पराठे और साथ साथ पीऊँगी चाय। आजकल पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, जो है ना आलू के ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे ना गोभी के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दाल के भी अच्छे बनते हैं लेकिन मुझे गोभी के सबसे ज़्यादा, मेरे फेवरेट गोभी के पराठे हैं। देसी घी बस थोड़ा सा ही मेरे पास रखा हुआ था, वो भी एंड हो गया था क्योंकि पराठों में ना देसी घी ही अच्छा लगता है, दूसरा ऑयल वगैरह उस तरह अच्छा नहीं लगता है, तो बस देसी घी ज़्यादा यूज़ होता है। और वैसे पराठे मेरा तो दिल नहीं होता पराठे बनाने को, लेकिन अम्मी आई थी एक दो दिन पहले तो मैंने कहा था कि आलू के पराठे मेरा दिल कर रहा है तो वो बनाओ, तो फिर अम्मी के लिए ही बनाए थे हमने। बस जब अम्मी के लिए बनाए तो फिर सबने ही खा लिए थे। तो जी बस मैंने पराठे बना लिए हैं और अभी इसका पानी जैसे ही ड्राई होने वाला है तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, जिसमें मैंने हल्दी डाली थी, कुटी मिर्च डाली थी, पिसी मिर्च डाली थी, नमक डाला था, थोड़ा सा मैं साबुत गरम मसाला भी इसमें डालती हूँ क्योंकि अम्मी कहती हैं कि गोश्त में लाजमी साबुत गरम मसाला, दालचीनी, थोड़ी सी बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा लाजमी डालना चाहिए। बस जी हम आज बैठे हैं खाना बदोशों की तरह नीचे, और बस यहाँ पे अब बुनाई का टाइम आने वाला है तो इसमें मैं डाल दूँगी आलू और मटर डाल दूँगी। मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे और फ्रीज़ वाले मटर ना थोड़े से सख्त हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो हल्का सा अगर उनको जैसे ब्लांच करते हैं ना वेजिटेबल्स को, उस तरह अगर हल्का सा एक बस एक उबाला सा दे के रख दिया जाए ना तो उस तरह ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं मटर। खैर गल गए थे थोड़ी देर बाद, मैंने इनको भून के ना इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और साथ में ये मटर वगैरह जो है ये भी गल जाएंगे, तो बस ये रात के खाने का हो जाएगा। तो आजकल मेरी रूटीन थोड़ी इस तरह की है, काम ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं घर में, तो कुकिंग शुकिंग अब थोड़े दिनों के लिए थोड़ी होगी तो लाजमी, लेकिन ज़रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा मैं घर सेट कर लूँ फिर इंशाल्लाह कंप्लीट, मेरा इरादा है कि मैं कंप्लीट अपना हाउस टूर जो है वो आपसे शेयर करूँ। पहले मैंने शेयर किया हुआ है लेकिन उस वक्त मुझे अभी नई आई थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी और मुझे आप सब इतना कह रहे थे कि मैंने जल्दी में ही कर दिया था। अब मैं प्रॉपर सेट करके ना फिर मैं आपसे हाउस टूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस ये एंड में मैंने डाल दी इसमें सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें मेथी,
मेथी इसमें बहुत अच्छा लगता है, बल्कि खाली कीमा मेथी, फ्रेश वाली मेथी और कीमा भी बनाए ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बस जी चला जाएगा इसमें मेथी। बस जी चाहूँगी मैं आपसे यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।